स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजना स्टडी सेंटर पर। आज आप सभी के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ सीटेट एग्जाम 2023 के अपडेट के बारे में। तो सीटेट एग्जाम 2023 में पेपर वन का सिलेबस मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, नहीं देखा होगा आपने तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम से रिलेटेड सभी तरह की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। और आज मैं आप लोगों के लिए पेपर टू का फुल सिलेबस लेकर आया हूँ। तो सीटेट एग्जाम में पेपर वन क्लास वन से फाइव के टीचर बनने के लिए होता है, पेपर टू क्लास सिक्स से एट तक के टीचर बनने के लिए होता है। तो यहाँ पर पेपर टू का डिस्कस हम लोग करेंगे। पेपर टू में जो सेक्शंस होते हैं, चार सेक्शन होता है। मान लीजिए यहाँ पर जैसा कि सीडीपी है, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास यानी बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा सेक्शन एसएसटी या फिर साइंस मैथ का होगा। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तब उनको यहाँ पर एसएसटी चुनना पड़ेगा। लेकिन कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट जो मैथ और साइंस देना चाहते हैं, वो मैथ और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैथ और साइंस चुनेंगे। यानी एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे होगा। या तो आप एसएसटी चुनिए या तो मैथ साइंस चुनिए, दोनों में से कोई एक सेक्शन चुनना होगा। तो अगर मान लीजिए आप एसएसटी चुनते हैं तो एसएसटी से 60 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन हो गया सीडीपी से, 60 क्वेश्चन एसएसटी से, या फिर मैथ साइंस चुनेंगे तो मैथ साइंस से 60 क्वेश्चन होगा। ठीक। अब बात करेंगे हिंदी, तो हिंदी लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन होगा और इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से 150 नंबर 150 नंबर का सीटेट पेपर टू का एग्जाम होता है, जिसमें से पास होने के लिए आप सभी कैंडिडेट को 90 नंबर लाना होगा जनरल कैटेगरी वाले सभी स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो कैंडिडेट ओबीसी से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अगर उन्होंने अप्लाई किया, उनके पास सर्टिफिकेट है, तो 82 नंबर लाने से भी वो सभी कैंडिडेट पास माने जाते हैं। अगर आप सीटेट एग्जाम में 150 नंबर में 82 नंबर लाते हैं ओबीसी एससी एसटी वाले, वो पास हो जाते हैं। सीटेट एग्जाम का जो सर्टिफिकेट है वो ऑल ओवर इंडिया में आपको टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी देता है। पहले इस सर्टिफिकेट का वैल्यू 7-7.5 साल का होता था, लेकिन अब कोई भी कैंडिडेट अगर सीटेट एग्जाम एक बार पास करते हैं तो जीवन भर उनके उस सर्टिफिकेट का वैल्यू रहेगा। अगर आप नए जुड़े होंगे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार जुलाई 2023 दिसंबर 2023 में जो सीटेट एग्जाम होगा उसमें आपको पूरी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। धन्यवाद।